सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को मेरी नमस्कार और आप सभी के चैनल को बहुत बहुत अभिनंदन और आप सभी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण चंद कारसा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार बुद्धिजीवी विभाग का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विचार विभागों का प्रभारी हूँ और हरियाणा प्रदेश मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूँ और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पूर्व रजिस्ट्रार हूँ। आज देश और प्रदेश के कई राजनीतिक जो हालात हैं उनके ऊपर ये प्रेस वार्ता निमंत्रित की गई है और आप साथियों को कष्ट दिया गया है। सबसे पहले तो मैं किसान आंदोलन की बात करना चाहता हूँ कि शंभू बॉर्डर पर जो हरियाणा पंजाब की सीमा है वहाँ पर किसानों के आगे आठ आठ लेयर लगा दी गई हैं, कीले गाड़ दी गई हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं। ऐसा अनुभव होता है कि जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला। लगभग दो वर्ष पूर्व जब कुंडली बॉर्डर पर हिंदुस्तान के किसानों ने तीन काले कानूनों के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लिया और मोदी जी ने ये गारंटी दी थी कि मैं MSP पर कानून बनाऊंगा। लेकिन दो वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक ना तो उन्होंने कानून बनाया और उस पर एक समिति बिठाई थी, ना उस समिति की रिपोर्ट। इससे परेशान होकर के देश के किसान एक बार फिर आंदोलनरत हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मेरा उनसे निवेदन है कि आपकी पिछली गारंटियों का क्या हुआ? आपने कहा था 2014 में जब आप शुरू में आए कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख आएंगे। आपने कहा था कि हम एक वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आपने कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। ये सब चीजें तो आपने लागू नहीं की, उल्टा आपने हिंदुस्तान की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर इतनी चोट की है और उनको इतना डराया है, वो भयभीत हैं। इस देश का राज संविधान से चलता है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को संविधान के मुताबिक अपनी बात कहने का अधिकार है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को संविधान के अनुसार प्रदर्शन करने का अधिकार है। हाँ, अब उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि जितने भी रास्ते हैं आम जनमानस के लिए उनको खोल दिया जाए, नहीं तो लोग कहाँ कहाँ
आपने अंबाला भी बंद कर दिया, शाहबाद भी बंद कर दिया, करनाल भी बंद कर दिया, कुंडली भी बंद कर दिया। अरे इन किसानों को जाने दो। हाँ, दिल्ली जाकर यदि ये कोई हिंसक प्रदर्शन करते हैं तब आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपने वहीं पर क्यों रोक दिया इनको? फिर आप बार बार कहते हैं कि हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है। संवैधानिक संस्थाओं को आपने अभी नया चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इन लोगों ने वोटों की चोरी की। जो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर थे बिल्कुल कैमरे में दिखाई दे रहे हैं कि उन वोटों को इनवैलिड, अवैध करार देते हुए उन पे निशान लगा रहे हैं। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के उच्चतम न्यायालय का, उनके जज का, मुख्य न्यायाधीश का, जिन्होंने संज्ञान लिया और कहा कि लोकतंत्र में हिंदुस्तान की ताकत विश्व में लोकतंत्र की है और आप लोकतंत्र यहां पर समाप्त कर दोगे तो देश में क्या बचेगा। और उन्होंने वहां उन वोटों को दोबारा से वैध करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी का, जो उन्होंने जबरदस्ती मेयर बनाया था, आम आदमी पार्टी के मेयर की घोषणा की। इसी प्रकार आज नौजवानों को रोजगार देना तो दूर की बात, उनको बहकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि यूक्रेन में जाकर के नौकरी करो। अरे यूक्रेन में पहले ही लोग मर रहे हैं और भारतवर्ष के लोग बच्चे वहां जाकर के नौकरी करेंगे। इस क्षेत्र के विशेष रूप से करनाल, मेरा गांव भी नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कारसा है, पैतृक गांव है मेरा। हर गांव से, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, ना भारत सरकार के पास है ना प्रदेश सरकार के पास है, नौकरी है नहीं, बच्चे पलायन कर गए, विदेशों में चले गए। आप कहते हैं हरियाणा प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी, बड़ा ढोल पीटते हैं इनके सारे कार्यकर्ता, मंत्री, एमएलए, खर्ची पर्ची बंद कर दी। मैं कहता हूं इन्होंने खर्ची पर्ची तो बंद कर दी लेकिन खर्चा पर्चा शुरू कर दिया। खर्चा मतलब मोटा पैसा और पर्चा मतलब पेपर। आप तो पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पेपर पास करवाना। हरियाणा में दो एजेंसियां हैं भर्ती करने की, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी आयोग। हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय में, पंचकूला में, जो उनके सेक्रेटरी सचिव थे नागर जी, उनकी अटैची में 3 करोड़ रुपए मिले। ये खर्चा है। और उन्होंने जब ये कहा कि मैं तो एक मोहरा हूं, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, 2-2 करोड़ में बोली थी एसडीएम लगाने की, तो उनको कहा कि तुम अपनी जवान बंद करो, थोड़े दिन सस्पेंड करके दोबारा बहाल कर देंगे, हमारा नाम नहीं लेना मगरमच्छ हो। ये है इनका खर्चा पर्चा। अब तक सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं, कितनी भर्तियां इनकी रुकी हुई हैं और ये कितना खिलवाड़ करते हैं नौजवानों से, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और एक वर्तमान ज्वलंत अपराध, कानून व्यवस्था, परसों कल उनका संस्कार हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल जो हरियाणा की पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष
पूर्व विधायक श्री नफे सिंह राठी जी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। कहते जी हमने हरियाणा प्रदेश से अपराध खत्म कर दिया है। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि अपराध में और कानून व्यवस्था का चौपट होने में हरियाणा का नीचे से नंबर 2 है। और ये कहते हैं हमने कानून व्यवस्था कायम कर दी है। जब एक राजनीतिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है मित्रों, और हम आप कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये काम करते हैं किया गया केंद्र सरकार का भी और हरियाणा सरकार का भी। मित्रों, केंद्र सरकार ने 377 लाख के कर्ज का बजट पेश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2014 में, उसके बाद इन्होंने संभाला। मनमोहन सिंह के समय में 58 लाख करोड़ कर्ज था, आज 377 लाख करोड़ कर्ज है। प्रत्येक हिंदुस्तानी के ऊपर, आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी 27,000 का कर्ज है। और कर्ज के ब्याज को देने के लिए और कर्ज लिया जाता है। हरियाणा प्रदेश ने बजट पेश किया माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी ने। मैं तो बल्कि आंकड़ा 2-3 दिन पहले मैंने इनका आंकड़ा पढ़ा ना कि 2 लाख करोड़ का कर्ज है। लेकिन आज फिर मैं पढ़ रहा था, इन्होंने कहा 3,89,000 करोड़। एक विधायक ने, विपक्ष वाले ने कहा कि नहीं ये 4 लाख से ऊपर फिगर, चलो 3,89,000 करोड़ भी अगर हम लें तो एक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख का कर्ज है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, वाह, केंद्र सरकार का 377 लाख करोड़ का कर्ज, हरियाणा सरकार का 1,89,000 का करोड़ का कर्ज, और फिर कहते विकसित भारत बनाएंगे। बहुत सुंदर, हम भी आपका साथ देंगे, विपक्ष वाले बनाइए। 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जाता है, विकसित भारत बनाने चले लाइन में लगते हैं राशन लेने, हम विकसित भारत बनाएंगे। कहां से विकसित भारत बनाओगे आप? विकसित भारत का अर्थ होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की प्रति व्यक्ति आए, वहां का प्रति व्यक्ति निवेश, वहां की 100% शिक्षित होना, लिटरेसी, वहां के हर व्यक्ति की आमदनी। यहां तो कर्ज है, ये विकसित भारत की परिभाषा है, उसका कंसेप्ट है, विकसित देश का कंसेप्ट है। आप किस प्रकार से विकसित भारत बनाओगे? मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, पिछली गारंटियां पूरी कर दो भाई, ये देश त्रस्त है, इस देश के लोग बहुत परेशान हैं। जाति के नाम पर मत लड़वाइए, लोगों को स्वास्थ्य दीजिए, लोगों को सुरक्षा दीजिए, लोगों को शिक्षा दीजिए। हरियाणा प्रदेश में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार छोड़ी थी, प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर पे था,
प्रति व्यक्ति निवेश में एक नंबर पर था, शिक्षा में एक नंबर पर था, इतने विश्वविद्यालय इतने कॉलेज खोले गए, स्वास्थ्य के नंबर पर एक नंबर पर था। आज बेरोजगारी में एक नंबर पर है, आज अपराध में एक नंबर पर है। सर मगर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैं सभी को सुरक्षा नहीं दे सकता, मुझे भी और आपको भी हंसी आती है इस बात में। आपने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, उस शपथ में कहा था, संविधान में संविधान की शपथ ली थी कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मैं सुरक्षा दूंगा, सबके प्रति बिना भय और बिना पक्षपात रवैया अख्तियार करूंगा। सर मैं ये जानना चाहूंगा लगभग 137 साल हो गए, कांग्रेस कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ समाप्त नहीं है कि आपके इतिहास में कहीं ना कहीं कमजोरी हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, उस समय में जितने भी लोग थे जो अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, चाहे वो नरम दल के थे चाहे गरम दल के थे, तो पहले ही निवेदन किया है कि हिंदुस्तान में EVM बंद होना चाहिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसके पक्ष में है। कारण अभी, और भारत के उच्च न्यायालय को मैंने सलाम किया है और इस बात के लिए भी सलाम करता हूँ कि पहली बार आज़ादी के बाद देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि EVM बंद किया जाए, अर्थात EVM में घपला है। कोई भी इंजीनियर बता सकता है कि वो हैक होती है, और ये पहले से सेट कर लेते हैं। आज देखो विकसित देश, हमारा तो अभी सपना बहुत दूर का विकसित हुआ, विकसित देश कनाडा अमेरिका इंग्लैंड, उन्होंने EVM बंद करके मतपत्र पर आ गए। क्यों आए जी? हमारे से तो इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं वो, और जब वो इतने आगे हैं तो उन्होंने क्यों बंद की? वो इसलिए बंद की ना, वो हैक होती है। और मैं सच बताऊं, इस बार अगर मतपत्रों से चुनाव हो गया ना देश में, ये 100 पार नहीं करते। सर अपना पूरा रेफरेंस देना चाहेंगे? हाँ, एक बार फिर मैं बता दूं, मैं प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण खारसा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार बुद्धिजीवी विभाग का राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विचार विभागों का प्रभारी, और हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पूर्व रजिस्ट्रार। अब तक 5 राष्ट्रीय और 15 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।